वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम एक्सटेंडेड ईआर मॉडल के बारे में देखेंगे। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल को हम सम टाइम एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और ईईआर मॉडल भी कहते हैं। बेसिकली एक्सटेंडेड ईआर मॉडल ईआर मॉडल ही है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल में हम थ्री टाइप के कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड अग्रीगेशन। इस वीडियो में हम स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ईआर मॉडल में हमने एंटिटी और रिलेशनशिप के बारे में देखा। ईआर मॉडल में कितने भी नंबर ऑफ एंटिटी हो सकते हैं, 2, 3, 4 एंड एन, जिनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप शो करना होता है। हमने कहीं पर भी ईआर मॉडल में ये नहीं देखा कि हम कैसे एंटिटी को सब डिवाइड कर सकते हैं या एंटिटी को कैसे सब डिवाइड किया जा सकता है। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल के कॉन्सेप्ट स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे एंटिटी को हम सब डिवाइड कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एंटिटी को सब डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एंटिटी है पर्सन। यदि हमें इसे सब डिवाइड करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम पर्सन को टू एंटिटी में सब डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वहाँ काम करता है, और एक होता है कस्टमर जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट यूज़ करता है। यहाँ पर हमने पर्सन को सब डिवाइड किया एम्प्लॉय और कस्टमर में। इसे ईआर मॉडल में दिखाने के लिए हम एक ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इज ए रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि पर्सन इज अ एम्प्लॉय और पर्सन इज अ कस्टमर। स्पेशलाइजेशन एक टॉप डाउन अप्रोच है। हम एक सुपर एंटिटी से सब एंटिटी फाइंड आउट करते हैं। समटाइम स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन को सुपर क्लास और सब क्लास रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो स्पेशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सब ग्रुप करते हैं एक एंटिटी सब को। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का जस्ट एक अपोजिट प्रोसेस है, जिसमें हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ एंटिटी सेट से जनरल एंटिटी सेट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय और कस्टमर यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो एंटिटी सेट है, तो हम इससे एक सुपर एंटिटी सेट क्रिएट कर सकते हैं पर्सन। इस तरीके से जनरलाइजेशन एक बॉटम अप अप्रोच है। जनरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ मोर जनरल एंटिटी टाइप फ्रॉम अ सेट ऑफ मोर स्पेशलाइज एंटिटी टाइप, एंड इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन में हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसे हम एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें हमारा सुपर एंटिटी सेट के जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, वो सारे एट्रीब्यूट उनके सब क्लास इनहेरिट कर सकते हैं। इस एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस कंसेप्ट को हम डिटेल में आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। ईआर मॉडल की तरह स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन में भी हम कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। कंस्ट्रेंट हमें ये बताते हैं कि डेटाबेस में कुछ प्रॉपर्टी को फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए। देख लेते हैं क्या कंस्ट्रेंट है। पहला कंस्ट्रेंट है इसमें डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट। डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट मीन्स यदि कोई सुपर क्लास केवल एक सब क्लास को बिलोंग करे, तो यहाँ पर हम इसे डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक अकाउंट एंटिटी सेट है, इसे हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट में। मतलब हमारे पास दो टाइप के एंटिटी सेट हो सकते हैं अकाउंट में, एक है सेविंग अकाउंट, एक है चेकिंग अकाउंट। इसे हम लिंक कर देते हैं इज ए रिलेशनशिप में। मतलब अकाउंट या तो सेविंग अकाउंट हो सकता है, अकाउंट इज अ सेविंग अकाउंट, और अकाउंट इज अ चेकिंग अकाउंट। डिसजॉइंट एंटिटी सेट हमें यह बताता है कि अकाउंट मतलब कोई भी सुपर क्लास केवल एक ही सब क्लास को बिलोंग कर सकता है। यहाँ पर आप देखें तो अकाउंट या तो सेविंग अकाउंट हो सकता है या तो चेकिंग अकाउंट हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। तो इस तरीके का एंटिटी सेट डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ओवरलैपिंग कॉन्स्टेंट। ओवरलैपिंग कॉन्स्टेंट में यदि कोई भी एंटिटी मोर देन वन एंटिटी सेट को बिलोंग करे, या सुपर क्लास यदि मोर देन वन सब क्लास को बिलोंग करे, तो इस कंडीशन में हम इसे ओवरलैपिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पर्सन एंटिटी सेट है। पर्सन एंटिटी सेट में हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एम्प्लॉय और कस्टमर। इसे हम एक इज ए रिलेशनशिप से डिस्प्ले कर रहे हैं। पर्सन
इज अ एम्प्लॉय, अ पर्सन इज अ कस्टमर। अब यदि हम इसे किसी बैंक का स्कीमा माने तो पर्सन किसी बैंक में एम्प्लॉय भी हो सकता है और उस पर्सन का जो एम्प्लॉय है उसका वो एक कस्टमर भी हो सकता है, उसका एक बैंक अकाउंट भी हो सकता है। तो इस तरीके की एंटिटी सेट या इस तरीके का कंस्ट्रेंट जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो इसे हम ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। एक कंडीशन है जो सेटिस्फाइड हो रही है कि पर्सन एक एम्प्लॉय भी है और एक कस्टमर है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट में फर्स्ट हम देखेंगे टोटल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। टोटल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन सेम है जैसा हमने हमारे ईआर मॉडल के कंस्ट्रेंट में टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट और पार्शियल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट में देखा था। टोटल पार्टिसिपेशन में हमने देखा था कि यदि कोई एंटिटी किसी अदर एंटिटी के साथ कंप्लीटली रिलेशनशिप में है तो हम उसे टोटल पार्टिसिपेशन कहते थे। सेम यहाँ पर भी यदि कोई एंटिटी किसी ना किसी लोअर लेवल एंटिटी के साथ बिलोंग करती है तो हम इसे टोटल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जैसे अकाउंट, यहाँ पर एक एंटिटी सेट है वो या तो सेविंग अकाउंट हो सकता है या तो चेकिंग अकाउंट हो सकता है। ये मस्ट है कि अकाउंट को किसी ना किसी टाइप का अकाउंट होना ही चाहिए। या तो अकाउंट सेविंग टाइप का हो सकता है या तो अकाउंट चेकिंग टाइप का हो सकता है। तो अकाउंट यहाँ पर टोटल जनरलाइजेशन होगा, इसे हम टोटल डिसजॉइंट जनरलाइजेशन बोलेंगे क्योंकि ये डिसजॉइंट प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। टोटल जनरलाइजेशन को हम डबल अनडायरेक्टेड लाइन के थ्रू डिस्प्ले करते हैं एक्सटेंडेड ईआर मॉडल में। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्शियल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। इसमें जब कोई हायर लेवल एंटिटी किसी लोअर लेवल एंटिटी को बिलोंग नहीं करती है तो हम इसे पार्शियल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि एम्प्लॉय को हम इज ए रिलेशनशिप से किसी बैंक के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, क्लर्क, अकाउंटेंट और ब्रांच मैनेजर, तो जब कोई न्यू एम्प्लॉय किसी बैंक में ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले बैंक उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए हम किसी एम्प्लॉय को नीचे दिए गए किसी भी पोस्ट में तब असाइन करेंगे जब उसकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस कंडीशन में कुछ एम्प्लॉय हमारे जो इज ए रिलेशनशिप है, लोअर लेवल जो पार्ट है क्लरिकल, अकाउंटेंट और ब्रांच मैनेजर का, उसमें किसी भी टीम में हम उस एम्प्लॉय को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इस कंडीशन को हम पार्शियल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कहते हैं क्योंकि कुछ एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग एम्प्लॉय हैं वो हमारे किसी भी लोअर लेवल टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ना तो ये एम्प्लॉय क्लर्क है, ना तो अकाउंटेंट है और ना ही ब्रांच मैनेजर है, ये अब ट्रेनिंग में है। इस तरीके का कंडीशन जब ईआर मॉडल में सेटिस्फाई होता है तो हम इसे पार्शियल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंडेड ईआर मॉडल को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे टेबल में। इस ईआर डायग्राम में पर्सन एंटिटी के 2 सब एंटिटी हैं, एम्प्लॉय और कस्टमर, और एम्प्लॉय के 3 सब एंटिटी हैं, ऑफिसर, सेक्रेटरी और टेलर। जब हम ईआर डायग्राम को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम सुपर जो एंटिटी है, जैसे यहाँ पे पर्सन हो गया एम्प्लॉय है, पर्सन सुपर एंटिटी है एम्प्लॉय और कस्टमर का, और एम्प्लॉय सुपर एंटिटी है ऑफिसर, सेक्रेटरी और टेलर का। तो इस कंडीशन में हम सुपर एंटिटी का टेबल फॉर्म नहीं करेंगे, हम केवल सब क्लास एंटिटी का ही टेबल फॉर्म करेंगे। इसके लिए हम एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि आपका कोई भी सब क्लास एंटिटी जो है वो सुपर क्लास एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर के यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट हो जाएंगे, नेम, सिटी एंड कस्टमर आईडी। ऑफिसर को अब हम देखें तो ऑफिसर सब एंटिटी है एम्प्लॉय का, लेकिन एम्प्लॉय सब एंटिटी है पर्सन का। तो ऑफिसर के लिए जब हम टेबुलर फॉर्म क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम ऑफिसर के दोनों सुपर एंटिटी एम्प्लॉय और पर्सन के एट्रीब्यूट को इनहेरिट करेंगे। तो ऑफिसर के लिए यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक हो जाएगा डेजिग्नेशन, दूसरा हो जाएगा सैलरी और तीसरा हो जाएगा नेम और चौथा होगा सिटी। ऐसे ही हम सेक्रेटरी और टेलर के लिए दोनों सुपर एंटिटी एम्प्लॉय और पर्सन के एट्रीब्यूट
के साथ हम टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। देख लेते हैं स्कीमा। कस्टमर के लिए हो जाएगा नेम सिटी एंड कस्टमर आईडी। ऑफिसर के लिए हो जाएगा नेम सिटी सैलरी एंड डेजिग्नेशन। सेक्रेटरी के लिए होगा नेम सिटी सैलरी एंड आवर्स वर्क। टेलर के लिए हो जाएगा नेम सिटी सैलरी एंड आवर्स वर्क। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लीव अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट एज इट मोटिवेट अस टू क्रिएट अ न्यू एंड नॉलेजेबल वीडियो फॉर यू।